खबर इंडिया 7। आज देश ऐसे आदमी के हाथ में है, ऐसे आदमी के हाथ में जिसको झूठ बोलने के अलावा कोई काम आता नहीं, जो सुबह से शाम तक मित्रों भाइयों बहनों और उसके बाद जुमलेबाजी के अलावा कोई काम करना जानता नहीं। पीएनबी घोटाला हुआ, पीएनबी घोटाले के अंदर जितने भी एलआईयू साइन हुए वो सारे 2016 और 2017 के हैं। सीबीआई ने जो रिपोर्ट कराई वो 2016 और 2017 के मामलों को लेकर के कराई, लेकिन मोदी जी ने इसमें भी कह दिया कि ये तो यूपीए के टाइम का घोटाला है। अरे शर्म करो, शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। तुम्हारी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं, तुम्हारे बार बार तुम्हारे कार्यालय को चिट्ठी लिखने के बावजूद तुम कार्रवाई नहीं करते हो। कश्मीर को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर देश के अंदर कोई है तो वो है भारतीय झूठ पार्टी, उसका नेता झूठों का सरदार माननीय नरेंद्र मोदी, जिसने देश के अंदर नफरत पैदा कर दी। मोदी जी ने मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, हमें पता है कि आपके दिल में हमारे लिए जगह नहीं है। चलिए हमारे लिए जगह नहीं, लेकिन मेरे इन भाइयों के लिए तो जगह है, इनके लिए तो कुछ काम कर दो। अरे मुसलमान तो 99% वैसे ही खास खोदने वाला है, मजदूरी करने वाला है, उसके मुंह में से क्या छीन लोगे? तो उसके मुंह में तो कुछ देने के लिए है नहीं, लेकिन तुमने तो दलितों का आरक्षण छीनने का मुहिम चला दी कि दलितों का आरक्षण खा जाएंगे। आपने दावोस के अंदर जहां आप हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे और दावोस के अंदर जब जाजन कर रहे थे तो भाषण करते हुए देख करके हमें शर्म आ रही थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो ये भी नहीं जानता है कि देश की आबादी कितनी है, हमारे देश की आबादी 125 करोड़, और वो वहां कह रहे थे कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया। पूरे दुनिया की आबादी 735 करोड़, 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया, ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी जी का जो हंसी और मजाक का हिस्सा बन गया। शर्म आ रही थी कि प्रधानमंत्री इतना अज्ञानता पूर्वक बोलने का काम कर सकते हैं। बड़ा शास्त्री होने का ढोंग करते हैं मोदी जी, पढ़ा लिखा होता तो ऐसी हरकतें ना करता। एक फर्जी डिग्री वाला आदमी प्रधानमंत्री देश का है, ये देश का दुर्भाग्य है। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए